भाइयों, ये हमारा मोबाइल गिम्बल जो है ये पेशावर जा रहा है आज लेपर्ड से, और इंशाल्लाह ताला भाई कब तक पहुंच जाएगा? इंशाल्लाह ये भैया नेक्स्ट डे, अभी जा रहा है तो कल सेट तक पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज का मामला कुछ यूँ है कि आज जैसा कि अभी मैं निकला हुआ था, एटीएम वगैरह गया, कुछ अमाउंट वगैरह निकालनी थी, फिर कुछ ट्रांजैक्शन आई थी तो वो चेक करनी थी कि आ गई नहीं आ गई। उसके बाद फिर मैंने जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तो उस वक्त मैंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लिए थे, तो मैंने कुछ मुझे बेच दिए थे। फिर एक मोबाइल गिम्बल मेरे पास था, ज़ेन स्मूथ 4 3 एक्सिस गिम्बल, तो फिर मैंने ओएलएक्स पर उसका एड पोस्ट किया, फिर हमारे एक पेशावर से भाई थे उन्होंने उसको बाय कर लिया, तो इसलिए मैं गया था अभी लेपर्ड से मैंने उनको वहाँ पे डिलीवर कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, इफ्तार पार्टी में, हमारी फुप्पो के घर पे इफ्तार पार्टी है, तो हम लोग वहाँ निकल रहे हैं। यहीं पे 6:15 हो चुके हैं और हमें धोने लगी है देर, तो फिर हम फटाफट से निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके ये भाई अबान भाई जल्दी आओ यार, चलो जल्दी 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 जल्दी। गाड़ी पर आए तो पता चला गाड़ी में हवा ही नहीं है एक टायर में, तो हम जल्दी से इलेक्ट्रिक पंप से हवा भर रहे हैं, फिर निकलते हैं। इफ्तार में देर हो रही है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर जाम बड़ा है पूरा, बाहर जल्दी चलाएं तेज उसन की तरह। इफ्तार में सिर्फ बचे हैं 10 मिनट और हमने डलवाना है पेट्रोल, तो फिर फटाफट से डलवाते हैं पेट्रोल भी। हाँ बहन भाई क्या हो गया, रोजा लग रहा है, तो तुमने रखा कौन सा था? बाबा बगाले अब टाइम नहीं है, सिर्फ 8 मिनट बचे हैं बाबा, पागलों वाली बात है, नहीं क्या करो समझ भाई। पे आप रश चेक करें कितना रश हो रहा है भाई, लेट हो गए हम लोग, जल्दी करो। चलो भाई बंद करो, चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाइयों पहुंच गए हैं, जल्दी भाई खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, इफ्तार लग चुका है, हम देर हो गई है भाई, मज़े का इफ्तार लग चुका है भाइयों और हमें देर हो गई है। इफ्तार खोलते हैं फटाफट से, भैया इफ्तार में क्रीमी पोटैटो और छोले और मज़े के फ्रूट, शुरू करते हैं भाइयों। भाइयों बीफ बिरयानी भी है माशाल्लाह, करते हैं इफ्तार फिर आपसे मिलते हैं। ओके फटाफट से पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके नमाज वगैरह पढ़ ली और अभी सारी महफिल लगी हुई है, सारे कजन्स वगैरह बैठे हैं, फुल गुफ्तगू चल रही है भाई साहब। ये आप ये देखें, फेशियल चल रहा है भाई, फेशियल अबान साहब मज़े ले रहे हैं भाई इफ्तार के बाद। यहाँ पर सारी लड़कियाँ चाय बना रही हैं, चाय बना रही हैं, कितनी देर में बन जाएगी कौन? चलो भाई साहब फुप्पो को बताओ चाय कैसे बनेगी। भाइयों हमारे यहाँ गिनती की ना सिर्फ 4 लड़कियाँ हैं, एक सबसे लंबी, एक सबसे छोटी, एक सबसे दरमियानी और एक सबसे मोटी। चाय बनती है, चाय शाय पियेंगे भाई, सब वेट कर रहे हैं चाय का वेट करते हुए ये हाल हो गया, सब भाई फर्श पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं जैसी चाय आती है। शाबाश शाबाश, ये दिहाड़ी बता दें कितनी देनी है, कितनी देनी है, एक करोड़ की सेलिंग तो बताएं। ये आप लोग की चाय अभी तक बनी नहीं है, क्यों पाए बन रहे? अच्छा। कैसी बनी चाय वाले? चाय वाले लका दो कड़क चाय रौड़ा, और ये इस फैंटेसी में है कि इनका वाला आ जाएगा। अल्लाह इफ्तार के बाद लोगों का ये हाल हो जाता है और अब उठ गए, खत्म, बाय बाय टाटा। हाँ 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 शुक्रिया भाई शुक्रिया, इधर रख देंगे आप प्लीज, इधर रख दें, अरे ओ शुक्रिया, रखना नहीं पप्पू मारेंगी। चाय पीते हैं भाई, मज़ा आ गया भाई।
भाइयों हमने चाय वगैरह पी ली, इफ्तार वगैरह कर लिया, जरा थोड़ा बाहर चलते हैं, अंदर बहुत हब सूर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा देते हैं, बाहर को दिखाता चलूँ एक चीज़ में। जो दरख्त लगा हुआ है हमारी पप्पू के घर पे, ये सेम की फली का है और ये इतना बड़ा हो चुका है माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फलियाँ लगी हैं इसमें, इसकी रूट्स और इसकी रूट्स है ना फट के। अब बाहर आप ये देखें, ये हमारी दादी का हाथ का लगा हुआ है, उन्होंने लगाया माशाल्लाह। अब इस दरख्त को देखते हैं तो हम अपनी दादी की याद आती है। भाई सब वापस जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं भाई। भाई आज सिप्तैन की ना इस्लामिक बर्थडे थी, पप्पू आपका बहुत शुक्रिया इफ्तार कराया आपने। देखो अकमल ने भी केक नहीं दिया, अकमल ने भी केक नहीं दिया। क्यों खड़ी हो, चलो जानी है ले आओ। कल ने आपका भाई ड्राइव कर रहा है। हाफिज गाइस, हम अभी एक और जगह जा रहे हैं, हमें कॉल आई थी तो कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो हम आ जा रहे हैं। लेकिन वो सरप्राइज भी आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और ये हम पिंजरा गाड़ी में लेके जा रहे हैं, मुस्तफा ने रखा है। अब हम लोग कबूतर रखेंगे। गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ। 108 जहांगीर आज मैं बहुत ही कोई कैजुअल हो के आई हूँ, मेरा स्कार्फ ऐसी है बस, बट डजंट मैटर, आई एम सो हैप्पी। मुझे रामी शापी की इतनी याद आती है ना जब मैं घर चली जाती हूँ, जब हम यहाँ आते हैं मुझे इतनी खुशी होती है। कौन आया नहीं सही है वो मैं छोटी ना हो, मैं उससे कह के लाई और क्या वो पता है वो पतली हो जाएगी अगर, है ना? नहीं कोई नहीं, मैं और पतली होंगी भाई माशाल्लाह। हबीबी अभी पप्पू के घर पे हमें मिल गई है कैरेमल आइसक्रीम, तो हम ये खाएंगे फटाफट से शुरू करते हैं। माशाल्लाह आइसक्रीम खा लिया, दिल्ली से जाके देखते हैं ऊपर ये लोग ऊपर कर क्या रहे। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, जंगकुक बेबी के वो है स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स हुए हुए। ये हो गया जंगकुक, किपला जेहुक, किपला जेमिन। आप ये देखें भाइयों और बहनों, नाम बताइए इनका, हजरत करके पाल जेमिन जिमिन। ये हो गया जंगकुक, ये हो गया टाइन, ये हो गया सुहा। टाइन नहीं है वो, ते ही क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम है, हजरत पार्क जिम। पार्क जिम इन अच्छा, पार्क में जिम इन है। टाइन जंगकुक ओके, बावला कुकु कुकु कुकड़क इधर मुर्गी डालूंगा बेटा अब तो। यहाँ पे छुपा लिया, दिल में छुपा लिया है। साहब अब लगा रही है तीसरी शिफ्ट, दो शिफ्ट हैं इसने माँ लगाई है, अब तीसरी शिफ्ट लगा रही है एक इफ्तारी की यहाँ पे। खैर थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं, मुझे भी खाना है। हम फटाफट से घर के लिए, तो भाई चलें यहाँ जल्दी। खुदाफिज, चले जाओ बकमल। ओके जा रहे हैं, सब निकल रहे हैं हम घर के लिए, घर पहुंचते हैं फटाफट से, फिर आपसे मिलते हैं। जल्दी आ जाओ यार। भाइयों घर पहुंच चुके हैं, चलो भाई। A few hours later. भाई तुम किस हालत में आए हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, पूरे बाहर गीले क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बर्थडे थी ना कल पकल, इसलिए मारे अंडे। भाइयों आवाज़ आ गई थी कल बर्थडे, लेकिन हम उसको किसी वजह की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन फिर आज इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की इनके दोस्तों हो रहे हैं सब ने, इनको अंडे छंडे पानी वानी क्या कुछ नहीं मारा, और अभी ये इस हालत में यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ इन्होंने, आप लोग को याद है मेरे साथ क्या किया था, पूरा खिला खड़ी था पता नहीं क्या क्या मार मार के मेरी बर्थडे आ रही थी। अच्छा बेटा बस कर दो, सही हुआ बेटा। अबे पानी टपक रहा, बन जल्दी जाके नहाओ वॉशरूम में, भाई डांटेंगे सब तुम्हें घर, तुम्हें पूरा तुमने कीचड़ कीचड़ के कर दिया, जगह निशान डाल दिया तुमने पागल आदमी। तो अभी मस्जिद से हुआ है ऐलान के सहरी में रह गए हैं सिर्फ एक घंटा,
तो हमें फटाफट से बनानी है सहरी, ताकि सब सहरी कर लें और हम अच्छे से रोज़ा रख लें। तो फिर चलते हैं क्योंकि टाइम है नहीं, तो शुरू करते हैं भाइयों। तो यार आज क्या हुआ, आज सहरी हम लोग नहीं सही से कर सके। आखिरी के 8 मिनट तक हमने फटाफट से सहरी की है, बस जल्दी जल्दी भाग गया, बस पानी पीने जा रहे थे कि टाइम ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम सहरी भी सही से नहीं कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं, आज देर हो गई तो नींद बड़ी शदीद आ गई है, बैठा व्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था तो नमाज वगैरह तक अभी हर चीज़ ओके हो गई। तो आज के व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, आवाज़ ही मेरी चली गई बिल्कुल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और आवाज़ भी चली गई तो इसी बात में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।